देखिए अलोकतांत्रिक कदम है कि पीएमओ ने राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के भाषण, 3 मिनट के भाषण को कट कर दिया, कार्यक्रम से उसको हटा दिया। फिर भी बड़प्पन रखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया, ऐसा कहीं नहीं होता। सरकारी कार्यक्रम है, जॉइंट एक तरीके से एक प्रोग्राम है, केंद्र सरकार का भी पैसा लग रहा है मेडिकल कॉलेज में, राजस्थान सरकार का भी पैसा लग रहा है। ऐसे में ये एरोगेंस प्रधानमंत्री की, ये उनकी कद को कम करती है। मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत बड़े मन रखते हुए उनका स्वागत किया है। मुख्यमंत्री जी के भाषण से इतना डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी, पीएमओ, कि मुख्यमंत्री जी जो 3 मिनट में बोलते शायद वो प्रधानमंत्री जी के पूरे भाषण पे वो भारी पड़ता, इस राजस्थान की जनता की आवाज़ उठाते। इस तो प्रधानमंत्री जी को परेशानी में आना पड़ता है कि भाई वो कुछ घोषणा कर नहीं रहे। आज भी 6 महीने में 7वां उनका दौरा है, आज तक राजस्थान को कुछ दे के नहीं गए। वो ऐसा लगता कि शायद उनको कुछ देना पड़ता, लेकिन उन्होंने अलग, ये दुर्भाग्यपूर्ण ये कदम है, ये दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य है पीएमओ का। जिस स्टेट में जा रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री का भाषण नहीं कराओ। मुख्यमंत्री ने बड़प्पन रखा जैसे मैंने कहा। मैं फिर भी मैं एक मांग करता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि जब वे आए थे 2018 में, उस समय ERCP को लेकर काफ़ी कुछ उन्होंने कहा था, तो मेरी मांग है कि ERCP को प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दें, जिससे 40% आबादी की राजस्थान की प्यास बुझ सके, 13 जिले लाभान्वित हो सकेंगे, 2 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित हो सके।